बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज एजुकेशन सेंटर में आपको वेलकम कहती हूँ और आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 19.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊँगी, जो ये है येरा। इफ़ मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें 3x3 का ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, और फिर सेकंड मैट्रिक्स भी हमें 3x3 कॉलम 3 रॉस का ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। देन एविलिएट ABCDXYZ वेरिएबल्स हमें इसमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, पहला मैट्रिक्स तो हमारे पास है x-1 y 2 0 3 z 3 2, ठीक है, इज इक्वल है 3 a और x b 0 c 2 3 d, ठीक है। इसमें से हम देखते हैं, अब हमारे पास जो x है, x इक्वल किसके हैं, 3 के, तो हम यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर सेकंड जो है -1 किसके इक्वल है, a के, -1 इज इक्वल टू a, ठीक है। तो हम इसको सीधा करके लिख लेंगे a इज इक्वल टू -1, ओके। तो हमारे पास ये a की वैल्यू फाइंड हो गई यहाँ पे, एक, ठीक है, a वेरिएबल फाइंड हो गया। अब तो हमें देन क्या कह रहे हैं, आगे देखिए y इक्वल किसके हो गया, x के, तो हम लिख देंगे y इज इक्वल टू x। तो अब हम y इक्वल है x के, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3, तो यहाँ पर हम x की जगह पे 3 रख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये y के वेरिएबल फाइंड हो गया। अब हमारे पास ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 जो है इक्वल है b के, तो 2 इज इक्वल्स टू b, तो यानी कि b इज इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई, b का वेरिएबल फाइंड हो गया। अब हमारे पास कह रहे हैं 0 बराबर है 0 के, तो इसको तो हम रहने देते हैं 3 इक्वल है c के, तो इसको सीधा करके लिख देते हैं c इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। आगे हमारे पास मजीद सॉल्व करने के लिए क्या कंडीशन दी हुई है, आगे दिया हुआ है z इक्वल है 2 के, ठीक है, z इज इक्वल्स टू 2, तो ये तो सिंपल सीधा ही है, तो इसे सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 3x3 इक्वल है 3 के, तो यहाँ पे हमें नंबर को इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं, यहाँ पे वेरिएबल्स फाइंड करने हैं क्वेश्चन में हमें, तो ठीक है, हम सिर्फ वेरिएबल्स को लेंगे। आगे कह रहे हैं टू इक्वल है डी के, तो इसे सीधा करके लिख देते हैं डी इज इक्वल्स टू 2, तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे हेयर, तमाम के तमाम हमारे पास जो वेरिएबल्स थे वो फाइंड हो चुके हैं, एक इसके इक्वल है -1 के, कॉमा हमारे पास सेकंड जो है बी किसके इक्वल है, बी इक्वल है हमारे पास 2 के, एंड देन सी इक्वल है हमारे पास 3 के, और एक्स हमारे पास इक्वल है, एक्स भी इक्वल है 3 के, और डी लिखना भूल गई आप लोग, आगे पीछे कोई मसला नहीं हो जाए, लेकिन डी इक्वल है हमारे पास 2 के, एंड देन वाई इक्वल है हमारे पास 3 के, और आखिर लास्ट में हमारे पास जेड इक्वल है 2 के आंसर, ठीक है। तो देखिए, कभी सबसे पहले हमें मैट्रिक्स को देखना होता है कि मैट्रिक्स में 3x3 का मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रॉज हैं इसमें और 3 ही कॉलम्स हैं, तो यानी कि ऑर्डर दोनों के सेम है, इधर भी 3 रॉ 3 कॉलम है, इधर भी 3 रॉ 3 कॉलम्स है, तो यानी कि ये इट्स मीन कि ये हमारे पास पॉसिबल होता है सॉल्व करना। तो हमने इस तरीके से इसके वेरिएबल्स को जो है फाइंड कर लिया है। ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 19.1 का क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। मिलती हूँ अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।